तो गाइस एक और कैंपिंग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पीछे वाली पहाड़ी दिख रही होंगी आपको, पूरी स्नो से भरी हुई है। दरअसल ये वीडियो इसी पहाड़ी की होती, बट ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण प्लान चेंज किया, वरना मेरा पूरी प्लानिंग के साथ ये सर्वाइवल वीडियो होने वाली थी। जहाँ पे मैं सर्वाइवल वीडियो बनाने की सोच रहा था वहाँ पे अभी 5 फीट बर्फ़ होगी। आज की कैंपिंग अपनी होने वाली है एक बुशक्राफ्ट शेल्टर में। बुशक्राफ्ट शेल्टर वही जो मैंने लगभग 2 महीने पहले बनाया था। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मैं वहाँ गया नहीं हूँ, और मुझे अभी नहीं पता क्या शेल्टर बचा भी हो गया नहीं। 3 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस बचता है जो अपना बुशक्राफ्ट शेल्टर बनाया था मैंने, तो वहाँ पे आज करेंगे कैंपिंग। और उम्मीद है बारिश होगी तो रेन कैंपिंग होने वाली है अपनी। हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो ही गई, बस डर इस बात का है कि अगर जानवरों ने शेल्टर तोड़ दिया होगा तो फिर बैकअप में अपने पास कुछ भी नहीं है। एक बार पहुँच के देखते हैं क्या है स्थिति। अभी मैं लगभग आधे रास्ते पे हूँ और बारिश स्टार्ट हो गई, और मुझे सामने दिख रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उस साइड में जहाँ को मैं जा रहा हूँ। अगर ऐसे में पता चला कि वहाँ पे जो शेल्टर है वो है ही नहीं तो फिर कैसे सर्वाइव करूँगा, वो मेरे लिए चुनौती हो सकती है। फ़िलहाल तो उम्मीद है कि बचा होगा। चलो जाते हैं आगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अब यहाँ पे इतने फिसलन है, 2-3 बार गिरते गिरते बचा हूँ। मैं जंगल वाले एरिया में पहुँच चुका हूँ अभी। बारिश के बीच मैं अपने बुशक्राफ्ट शेल्टर पर पहुंच चुका हूं। ऑब्वियस सी बात है अंदर काफ़ी पानी आया होगा। बारिश फिर से तेज़ हो गई, तो मैं क्या करने वाला हूं, जो अपना शेल्टर है इसके ऊपर टार्प लगाने वाला हूं ताकि पानी अंदर ना आए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये टार्प इसी के लिए बना हो, बिल्कुल परफेक्ट साइज पूरा आ गया, एकदम कवर हो चुका है अच्छे से। अंदर काफ़ी अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए चाहिए होगा अपने को थोड़ा लाइट वगैरह। एकदम जंगल में अकेले और नेचर के बीच और ऊपर से बारिश।
और ऐसे सिचुएशन में आपकी ये चेयर बड़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ज़मीन गीली है तो कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। ओ भाई पता नहीं जैकेट कैसे बीत गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जैकेट भीगने का रीजन पता नहीं। अभी मैं चाय बनाने को देख रहा था लेकिन पता चला मेरी बॉटल ही गायब है, पर कोई दिक्कत नहीं, अपने पास केटल है ही। और बारिश हो रही है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। पानी जस्ट यहाँ पे देखो सामने, अब ठंड लग रही है क्योंकि जैकेट भीग चुकी है, अंदर अंदर भी कपड़े भीग चुके हैं। इस बार मैंने गलती नहीं करी, पिछली बार हर बारी मैं लाइटर वगैरह भूल रहा था, इस बार ये लेके आया। भाई क्या हो गया, जल्दी का ही नहीं। आज पियेंगे चाय और साथ में सोच रहा हूँ कुछ उपमा, पता नहीं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, आज तक टेस्ट नहीं किया, तो देखते हैं। लग तो अच्छा रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं।
धूप के साथ साथ बारिश भी हो रही है, तो देखते हैं मौसम कैसा बनता है। ज़्यादा रात में मुझे लग रहा है कि आज मौसम सही हो जाएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बारिश भी हुई तो फिर अपने पास तो है ही रहने का पूरा। देखो गाइस, फिर से मौसम चेंज हो गया, दो चार मिनट में ही पूरा क्लाउड से कवर। कोई दिक्कत नहीं है, बारिश जितनी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब खाने की तैयारी करते हैं, उसके लिए मैंने अंडे और आलू बॉईल करने को रख दिए हैं। बॉईल होते हैं आज, सिंपल सा एक आलू और अंडे से कुछ ट्राई करूँगा। पहले ट्राई किया है मैंने वो चीज़, देखते हैं आज बनता नहीं बनता, फिर से ट्राई करेंगे काफ़ी टाइम बाद। तो अंडे वगैरह बॉयल हो चुके हैं और बाहर पे कुकिंग करने का मज़ा कुछ हो रहा है ऐसी जगह पे। बट मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है कि बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। मेरे पास दो ऑप्शन है, अंडा और आलू को मैश करके फिर उसमें मसाले डाल के फिर बेसन में कोट करके फ्राई करने का प्लान कर रहा हूँ। प्लान थोड़ा चेंज है, मैंने आलू को मैश कर लिया है, मैं सोच रहा हूँ इसमें अंडा भी मैश कर लूँ क्योंकि इसमें दिक्कत होगी। तो इसको इसके साथ ऐसे मैश करके कुछ तो बनेगा, ज़्यादा बताना इसको क्या बोलते हैं, बनाते हैं शायद इस टाइप का, कुछ मुझे नहीं आइडिया ज़्यादा। प्याज, कैप्सिकम और टमाटर, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ये सारे डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके साथ साथ थोड़ा एक बैटर बना लेंगे जिसमें कि ये डिप करके फ्राई कर लूँगा मैं। हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है अब। ओह, बारिश बढ़ गई, फिर लगता है अंदर भागना पड़ेगा। चलो अंदर जाके इनको फ्राई कर लेते हैं। मज़ा आ रहा था बाहर पे वैसे, पर क्या कर सकते हैं ना, पर सही है बारिश हो रही है और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। बाहर पे बारिश स्टार्ट हो गई तो अंदर कुकिंग करना पड़ेगा, आज साथ में माचिस भी। जब तक तेल गर्म होता है मैं इसको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इससे हो नहीं पाएगा अच्छे से।
ये अपना हीटर है आज, ज़्यादा अपना खाना बन चुका है, देखो एकदम मस्त। ज़्यादा आप सोच रहे होंगे तो कमी है, तो 2000 में खा लिया हूँ पहले ही, क्योंकि यार बनाते बनाते गर्मा गर्म खा भी लिया मैंने। तो अब खाना स्टार्ट करते हैं, इसके साथ हम सेजवान चटनी खाएंगे आज, साथ में अगर चाय होती तो मज़ा आ जाता। मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ तो ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट बने क्योंकि टमाटर वगैरह था ना इसमें। देखो ज़्यादा बारिश लगातार जा रही है, मज़ा आ रहा है। सोच रहा हूँ इसके साथ चाय बना के पी लूँ क्योंकि मन कर रहा है, ठंडे मौसम ठंडा भी है तो चाय के साथ मज़ा आएगा इसको खाने में। एक और चाय, शायद इसके बाद एक और पीऊँगा रात को, चाय बनती है चाय के साथ फिर खाते हैं। तो अब जैसे ही रात होने जा रही है, ठंड बढ़ गई है, यहाँ पे तो आग का कुछ है नहीं, आग तो जला सकता नहीं, तो स्लीपिंग बैग ही मात्र सहारा है ठंड से बचने का। तो बस अभी से सुबह तक स्लीपिंग बैग के अंदर। अभी रात होने में कोई आधा घंटा लगभग बचा है। यहाँ पर एक दिक्कत होने वाली मुझे लग रही है, वो है नीचे से जो मॉइस्चर है ना, वो रात को स्लीपिंग बैग तक ना पहुँचे। बस इसका काम भी अब स्टार्ट होगा क्योंकि जंगल वाला एरिया है, तो फिर ऐसे में थोड़ा रिस्क है। छः बजने वाले हैं, अभी तो जल्दी सोने वाले तो हो नहीं, मैं वही 8-9 बज जाएंगे नींद आने में,